अस्सलाम वालेकुम जनाब, मॉर्निंग टाइम और प्लांटिंग मेरा शौक, मेरी हॉबी, बहुत शौक है प्लांटिंग का और बहुत अच्छा लगता है जब आप घर में प्लांट्स लगाते हैं, उनसे आप कह लें कि उनके दरमियान बैठते हैं, एक तो फ्रेशनेस का एहसास होता है और समझ में आपके बहुत मज़ा आता है स्पेशली मुझे। तो जनाब ये प्लांटिंग का टाइम था और अब आज क्या पकाया जाए उसके लिए आप लोग देखते हैं व्लॉग स्टाइल में मेरी कुकिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार से विंग्स। तो वो विंग्स कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपसे मुलाकात करते हैं किचन। तो जनाब पहुंच गए हैं किचन में और यहाँ पर मैंने विंग्स निकाल दिए थे, डीप फ्रॉस्ट कर लिए हैं और मेरे पास ये जो विंग्स हैं ये स्किन के साथ हैं, ठीक है, और ये फुल विंग है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। अच्छा जी, नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में ये जो हमारी एजेस होते हैं इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन घर में हैं तो घर में आप ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसको आपने यहाँ से देखें, इसके ऐसे प्रेस लाइक ज़ोर से ज़रा सा इसको दबाएंगे तो हमारे पास ये विंग दो पार्ट्स में आ जाएंगे। अब रेस्टोरेंट में जो आप खाते हैं वो इतना पार्ट होता है, ये वाली जो पार्ट है ये नहीं होता, लेकिन मैंने इस पार्ट को साथ ही रखा है, आपकी चॉइस है, आप अलग करना चाहें कर सकते हैं। स्किन के साथ के विंग्स हम ले रहे हैं, तो चलिए मैं इसको सारों को कटिंग करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या कुछ चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर हमने दो तरह के विंग्स जो है उसको कटिंग कर ली है, रेडी कर ली हैं और अब बारी है इसकी मैरिनेशन की। तो यहाँ से पैन लेते हैं और डायरेक्ट इसकी जो मैरिनेशन है हम पैन में करेंगे और पैन में ही इसको इसी तरह पकने रख देंगे। अच्छा क्या करना है, हम यहाँ पर सबसे पहले पैन में मैं ये विंग्स डाल दूँगा, यहाँ से मैं लूँगा सिरका, सोया सॉस, सॉल्ट और उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। ये चार चीज़ें हैं आज की विंग्स में जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जनाब हम डाल रहे हैं इसमें सिरका, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस। सोया सॉस के साथ ही अब मैं इसमें डालूँगा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, हमने सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट के साथ चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स के साथ ही अब इसमें ऐड होगा जनाब जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट और उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्सअप करना है और इसको हमने पकने रखना है। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे और अब हमने इसको पकने रखना है। अच्छा ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में डन होगा और इसका जो सॉस है इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है। तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, इसको डन करेंगे, कवर करेंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे। और जनाब हमारे विंग्स जो हैं गल चुके हैं और अब हमने इसका जो सॉस है इसको ड्राई करना है। फ्लेम मैंने देखा आपने तेज़ कर दिया। अब साथ ही इसका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हम लेंगे जनाब मैदा, ठीक है, मैदे के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर और चिकन पाउडर के साथ कोई भी हर्ब आप ले सकते हैं, लाइक मेरे पास यहाँ सारे हर्ब्स रखे हुए हैं जिसमें पार्सले भी है, मिक्स हर्ब भी है, बेजल भी है, ओरिगैनो भी है, वॉट एवर जो भी आप डालना चाहें। तो मैं इसमें आज यूज़ कर रहा हूँ पार्सले, ठीक है, और के बाद बाउल लेते हैं। चलिए बाउल में हमने मैदा लेना है, इतना मैदा तकरीबन 1 से 1.5 कप के जिसमें हमारे विंग्स जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं, ठीक है। मैदे के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें चिकन पाउडर, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है चिकन पाउडर के साथ। तो ये तकरीबन हमने इसमें ऐड कर दिया चिकन पाउडर और चिकन पाउडर के साथ अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पार्सली।
चलिए ये हमारे पास डन हो गया। अब इसकी कोटिंग, और ये देखें विंग्स की मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें सॉस बिल्कुल ड्राई हो गई, जैसे मैंने आपका हमने सॉस को ड्राई करना है और ये सॉस ड्राई हो गई है। अब इसको हमने यहाँ लाना है और इस मैदे में हमने कोट कर, और इसको अब हमने वन बाय वन इस तरह से ये देखें मैदे में अच्छे से इसको कोट करना है। सारे विंग्स को हमने इसी तरह कोटिंग कर लेनी है। और जनाब बारी है अब फ्राइंग की। ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था, और चेक करते हैं ऑयल बिल्कुल गरम हो चुका है। और इसको हमने जस्ट कलर देना है, क्योंकि आपको आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी पक चुका है, गल चुका है, सिर्फ हमने इसको कलर देना है। विंग्स हमारे पास तैयार हैं, इनको मैं निकाल रहा हूँ, स्टेनर पर रखेंगे। मज़ेदार से हमारे पास क्रिस्पी विंग्स तैयार हो गए हैं। मज़ेदार से क्रिस्पी विंग्स तैयार हैं, और इसको मैंने सर्व किया है चिली गार्लिक सॉस के साथ। उसके साथ मैंने सर्व किया है बारबेक्यू सॉस। इट्स अप टू यू कि आप किस सॉस के साथ सर्व करते हैं। इंजॉय कीजिएगा, और इसको बना के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह इसी तरह गाहे बगाहे आपसे होती रहेगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।